तो आज है थर्सडे और थर्सडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज स्टार्ट हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी का दिन है तो आप सभी को माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं पूजा और कैसे क्या होता है, मैं कैसे करती हूँ। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, जितना मैं सासू माँ को देखती हूँ उतना ही करती हूँ। तो यहाँ जो स्थापना होता है, कलश स्थापना और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना, वो मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो बर्तन लिया है, बर्तन इसमें मैंने धान और सुपारी रखा हुआ है। तो तो यहाँ पूजा हो चुकी थी। पूजा होने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, और किचन में इसलिए क्योंकि देव तो चला गया था, उसको मॉर्निंग में ही नाश्ता वगैरह बना दी थी, लेकिन हस्बैंड जाने वाले थे तो उनके लिए नहीं बना था। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता वही था, बेटर बचा हुआ था, तो उसी से मैं फिर से आज वही हल्दी वाला पीठा ही बना रही हूँ, ताकि वो अपने स्कूल तो उनका गांव की तरफ ही है, तो गांव जाएंगे तो माँ पापा हैं वहाँ पर दोनों, तो साथ साथ तो उनको भी दे देंगे। तो यहाँ खाना भी हो जाएगा और दे भी देंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ वही कल जो पीठा बनाया हुआ था, कल के जो वीडियो में आप सभी ने देखा है, कल प्रथमाष्टमी के दिन जो पीठा बनता है वही पीठा फिर से आज बन रही है, गुरुवार के दिन भी। तो नाश्ता हमारा हो चुका था, अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई मैंने लिया है, उसमें हाफ ग्लास पानी दे करके यहाँ पर मैंने हल्का सा सॉल्ट और हल्का सा यहाँ पर शुगर ऐड किया है, और यहाँ मैंने 2 कप चावल को भिगा करके इसको पेस्ट बना लिया है। तो उसी पेस्ट को मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ और इसको चलाते जाना है, क्योंकि पानी हमारा गर्म हो चुका है और ये चलाते जाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद यहाँ मैंने घी डाला है, घी डाल के अच्छे तरीके से मैंने चला लिया है। चलाने के बाद इसका जो नमी जितना होता है वो चला गया है, तो इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, और हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से आटे की जैसे गूँथ लूँगी। तो ये इतना सॉफ्ट बना था कि मतलब हाथ में भी नहीं लग रहा था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी पूजा वगैरह सारा ख़त्म हो चुका है, और आज भी मैंने जो कल पीठा बनाया था, कल प्रथमाष्टमी था ना, हल्दी वाला पीठा जो बनता है हल्दी के पत्ते से पीठा, तो कल भी बनाई थी और आज भी बनाई हूँ, क्योंकि पत्ता भी बच गया था और आज वो घर जा रहे हैं। तो घर जाने से माँ पापा हैं वहाँ पर, तो माँ तो बना नहीं पाती है, मतलब 2 लोगों के लिए क्या बनाना। और आज मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का मोंडा बना रही हूँ, वही चावल का ही मोंडा है, लेकिन वही बना रही हूँ। तो यहाँ लेके बैठी हूँ ज़मीन में, आराम से बनाऊँगी और प्रसाद चढ़ाएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। Thank you.
तो यहाँ हमारा मुंडा पीठा तैयार हो चुका है, और जो बनाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं बनाते हैं वो मतलब उन्होंने भी देख लिया होगा। तो जैसा हम पराठा बनाते हैं वैसे ही बना लेना है, और जो नारियल की स्टफिंग है वही डालना है। तो नारियल की स्टफिंग कैसे बनती है वो तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने हल्दी वाला पीठा बनाया था, वही वही सेम प्रोसेस होता है उसका स्टफिंग बनाने का। तो ये पूजा हमारा हो चुका है, माँ लक्ष्मी को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, और चढ़ाने के बाद चलते हैं बाहर और देखते हैं मैंने अल्पना कैसे बनाया हुआ है। और बिना अल्पना के तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा मतलब अधूरी होती है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत जैसा आया मैंने बना लिया था, और बनाने के बाद चलते हैं जो प्रसाद है वो भी हमने खाया हुआ नहीं था। तो सुकून का टाइम होता है इस टाइम कि सारा कुछ काम ख़त्म करने के बाद खुद के लिए टाइम निकालना और आराम से खाना। तो इस टाइम में टीवी देखते देखते ही मतलब खाती हूँ या फिर नाश्ता करती हूँ। तो अभी तो बस प्रसाद ही खाना है क्योंकि आज तो फास्टिंग है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।